एक खूबसूरत गार्डन बनाने के लिए हमें काफ़ी कुछ अपने गार्डन में ऐड करना पड़ता है, जैसे कि पौधे, काफ़ी खूबसूरत से पौधे हो, फूलों वाले हो या पत्तियों वाले हो, काफ़ी सारी एक्सेसरीज हो जिससे कि गार्डन को डेकोरेट कर सकें, या फिर काफ़ी सारे ऐसे प्लांटर हो जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और यूनिक से दिखें। इस तरीके से अगर हम गार्डन तैयार करते हैं तो गार्डन तो सुंदर बन जाता है, लेकिन हमारा पॉकेट जो है वो जवाब देने लग जाता है, यानी बजट से बाहर चला जाता है सारा कुछ। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बजट में रह के हमें किस तरीके से गार्डनिंग करना है। बजट में रह के क्या हम सुंदर गार्डन नहीं बना सकते, या कम से कम खर्च में क्या हम ढेर सारे पौधे नहीं लगा सकते? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, पैसे खर्च करके तो हम गार्डन सुंदर बना ही सकते हैं, उसमें कोई दोराह नहीं है, कोई शक नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे कुछ हैं जो कि मार्केट से सीधे परचेज करके अपने गार्डन में ला के सुंदर बना सकते हैं, लेकिन हम सस्ते तरीके से भी गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं। सस्ते सस्ते पौधे भी ऐसे बहुत सारे आते हैं जिसे कि हम गार्डन में लगा के गार्डन में हरियाली भी ले सकते हैं, फूल भी ले सकते हैं। सस्ते मतलब 10 या 15 रुपए में मिलने वाले पौधे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10-15 हार्डली 20 रुपए में मिलने वाले पौधे, ऐसे पौधे जो कि बहुत सस्ते हैं, साथ ही साथ हम अपने गार्डन को इन सस्ते पौधे से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना के ढेरों फूल भी ले सकते हैं और गार्डन की खूबसूरती को भी इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे पौधे जिन्हें कि छोटी से छोटी स्पेस में भी लगाया जा सकता है और बड़े स्पेस में भी लगाया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं इनमें से। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पौधा आता है गर्मियों के मौसम में वो है फ्रेंड्स मॉस रोज। मॉस रोज पूरी गर्मी बरसात यानी नवंबर तक ये पौधा फ्लावरिंग करने वाला है, इसीलिए इस पौधे को तो जरूर हम अपने गार्डन में ऐड करते हैं, चाहे कम रूप में हो, चाहे ज्यादा रूप में हो, चाहे एक पौधा हो, चाहे चार पौधे क्यों ना हो। तो ये पौधा जो है ये बहुत सस्ता आता है, 10-10 रुपये में आपको नर्सरी में पौधे मिल जाएंगे। 2-3 कलर के भी अगर लाते हैं देन ये पौधा लाइफ टाइम आपके गार्डन में रह जाएगा। कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, विंटर सीजन में इससे मरता नहीं है, फ्लावरिंग नहीं करता लेकिन मरता भी नहीं है। तो इस पौधे को रख के आप इनसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इनमें ध्यान रखना आपको ये है कि इनमें 2 वेराइटी आती है, एक देसी वाली जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक आती है ये हाइब्रिड वाली वेराइटी, ये भी आप देख सकते हैं। लेकिन देसी वाली वेराइटी को आप पूरे साल रख सकते हैं, हाइब्रिड वाली वेराइटी को आप पूरे साल नहीं रख सकते, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अगर पूरे साल रखने के पर्पज़ से अगर आप परचेस कर रहे हैं तो हाइब्रिड वाला ना लेके आप देसी वाला लीजिए, या फिर हाइब्रिड वाले में बहुत सीड्स बनते हैं तो उन सीड्स को आप कलेक्ट करके भी रख सकते हैं, जिससे कि आप नेक्स्ट फरवरी में या मार्च में इसकी सीडलिंग कर सकें। तो सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स मॉस रोज। इसी कैटेगरी में एक और पौधा है जो कि है पर्सलेन। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, ये है पर्सलेन का पौधा। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में ये नर्सरी में आपको मिलेगा। इसमें भी काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे आपको, यानी ढेरों कलर के फूल आपको इसमें मिल जाएंगे। 2-3 पौधे भी अगर आप लाते हैं तो कटिंग के द्वारा बहुत सारा बना सकते हैं और ये परमानेंट पौधा है। विंटर में फ्लावरिंग नहीं करता है लेकिन परमानेंटली हमारे गार्डन में रहता है। विंटर में आप इसे सेव कर लीजिए और नेक्स्ट फरवरी मार्च में इसकी कटिंग लगा के ढेर सारे पौधे बना लीजिए। तो ये भी एक परमानेंट और सस्ता पौधा है जिससे कि हम अपने गार्डन को लगभग मार्च से लेके नवंबर तक बेहद खूबसूरत बना के रख सकते हैं और ढेरों फूल ले सकते हैं। तीसरे नंबर में जो पौधा है वो है फ्रेंड्स विंका सदाबहार का। विंका में 2 वेराइटी आती है, ये हम सभी को पता है। इनमें से ये देसी वाली वेराइटी आपको 10 रुपये में भी मिल जाएगी और लेने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, यहाँ वहाँ बहुत जगह ये पौधे दिखेंगे, वहाँ से आप उखाड़ के ले आइए, मरता भी नहीं है आसानी से। और इसमें बहुत सारे सीड्स भी बनते हैं जिससे बहुत सारे पौधे आप आसानी से बना सकते हैं। इसी में जो हाइब्रिड वाली वेराइटी आती है ये भी आप ले सकते हैं, ये 15 से 20 रुपये में मिल जाता है। लेकिन ये पौधा बारिश के मौसम में मैक्सिमम टाइम ख़राब हो जाता है, इसीलिए अगर पूरे साल रखना चाहते हैं देन मैं कहूँगी कि आप देसी वाला ही लीजिए। अदरवाइज़ हाइब्रिड वाला अगर आप लेते हैं तो इसके सीड्स को आपको सेव करके रखना होगा, जिससे कि आपका पौधा कभी ख़राब ना हो, कभी मरे ना, और अगर मर जाए तो आपके पास सीड्स रहे जिससे कि आप फिर से नया पौधा तैयार कर सकें।
इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स अल्टरनेंथ्रा की वेराइटीज, जिसे कि हैज प्लांट के रूप में हम ग्रो करते हैं। इसमें ये ग्रीन वाली वेराइटी भी आप देख सकते हैं, इसमें लाल सा भी आता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 रुपए में आपको नर्सरी में मिल जाएगा। ये पौधा कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है, पार्क वगैरह में लगा हुआ रहता है, तो वहाँ से आप कटिंग ला के भी आप लगा सकते हैं। किसी भी मौसम में इस पौधे को कटिंग से लगाइए, बहुत आसानी से लग जाता है और बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, और गार्डन में हरियाली और कलर दोनों एक साथ देता है। तो फ्रेंड्स इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं। सस्ता गार्डन तैयार करने के, सस्ते तरीके से गार्डन तैयार करने के लिए ये पौधा भी बहुत अच्छा है। कई सारे गमलों में लगा के आप छोटे से गार्डन में भी एक बाउंड्री क्रिएट करके हैज बना सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स पैडिलैंथस, जिसे डेविल बैकबोन के नाम से जाना जाता है। ये पौधा भी फ्रेंड्स काफ़ी सस्ते आते हैं, 10 से 15 रुपए में, 20 रुपए में आपको ये पौधा मिल जाएगा। तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है, कहीं से भी अगर आप कहीं पे भी अगर आपको दिखे तो इसकी इतनी इतनी सी कटिंग भी, अगर आप छोटी छोटी कटिंग भी अगर आप लेके लगाते हैं तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। मैंने खुद इसे कभी परचेस नहीं किया है, ये कटिंग से ही लगा के मैंने इतने सारे पौधे इसके बनाए हैं। तो ये पौधा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, काफ़ी खूबसूरत ऑर्नामेंटल पत्तियों वाला पौधा है, आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरती देता है। तो इस पौधे को भी लगा के आप अपने गार्डन में चार चांद लगा सकते हैं, वो भी सस्ते तरीके से। अगला पौधा है फ्रेंड्स कोलियस का। कोलियस की कुछ वेराइटी ऐसी होती है जो कि 30, 35, 40 ऐसे आता है इसका पौधा, लेकिन कुछ वेराइटी ऐसी है जो कि आपको 10 से 15 रुपए 20 रुपए में मिल जाएगा, जो कि कॉमन वेराइटी है। आप ये सब देख सकते हैं, काफ़ी कॉमन वेराइटी है और ये आपको इजीली मिल जाएगी 10 से 15 रुपये 20 रुपये में। कटिंग से इतने आसानी से ही सारे पौधे लग जाते हैं, जिससे कि आप बहुत सारा पौधा आप तैयार कर सकते हैं एक पौधे की मदद से। यानी एक लाना है, फिर आप इसकी कटिंग लगाते रहिए, आपका गार्डन हमेशा पौधे कलर से भरा हुआ रहेगा और गार्डन खूबसूरत दिखेगा। तो कोलियस के पौधे भी आप ला के लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स वडेलिया का। वडेलिया के पौधे भी फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता पौधा है और बहुत सारे येल्लो कलर के इसमें फूल आपको मिल जाएंगे। पूरे साल ये पौधा फ्लावरिंग करता है और अच्छी खासी फ्लावरिंग इसमें होती है, आप देख सकते हैं ग्रीन के बीच में ये येल्लो फ्लावर काफ़ी खूबसूरती देता है। कटिंग से भी ये पौधा आसानी से लग जाता है, इसीलिए कहीं अगर आप इस पौधे को देखते हैं तो इसकी कटिंग भी ला के लगा सकते हैं। साल में कभी भी लगाइए, लग जाती है और बहुत जल्दी ये पौधा जो है ये फैलता है। हैंगिंग बास्केट में लगाने से कुछ इस तरीके से इसकी टहनियाँ नीचे की तरफ लटकने लगती है, और ग्राउंड में लगाएंगे तो ग्राउंड में भी काफ़ी तेज़ी से पौधा फैल जाता है और इस तरीके से येल्लो कलर के फूल इसमें आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स सस्ते पौधे में ये भी एक बहुत ही अच्छा पौधा है, जिसे कि हम लगा सकते हैं। सस्ते पौधे में फ्रेंड्स आप रियो के पौधे को भी लगा सकते हैं, ये भी 15-20 रुपये में मिल जाता है। इसमें जो ट्राई कलर आता है वो थोड़ा महंगा आता है, बट ये जो पौधा है जिसमें ग्रीन और पर्पल कलर रहता है, ये बहुत ही सस्ता आता है, आपको 10-15 रुपये में मिल जाएगा। तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं, जड़ों से फैलता है, इसीलिए एक टाइम पीरियड के बाद आपके पास ये पौधे भी बहुत सारे बन जाएंगे। अगला पौधा है फ्रेंड्स पर्पल हार्ट का। पर्पल हार्ट का पौधा भी 10 से 15 रुपए 20 रुपए में मिल जाता है, बहुत ही अच्छा पौधा है। खरीदना ना चाहें तो कहीं देखें तो इसकी छोटी सी कटिंग भी आप लाके लगा सकते हैं, जिससे कि आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकें। एक से बहुत सारा पौधा बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही हार्डी पौधा है, हर कंडीशन में ग्रो हो जाता है, हर सीजन में इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। पानी भी कम दीजिए, ज़्यादा दीजिए, बहुत ज़्यादा फर्क इस पौधे को नहीं पड़ता है, इस कदर हार्डी पौधा है। तो इसे भी आप लगाइए, सस्ता पौधा है और गार्डन में आप एक पर्पल कलर भी इस पौधे से साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर सस्ते पौधे में आता है अपराजिता का पौधा, जो कि आपको 15 से 20 रुपए में नर्सरी में मिल जाएगा। अगर खरीदना नहीं चाहें तो आप अपने आसपास कहीं देखें इसके सीड्स, तो आप सीड्स भी लाके इसे ग्रो कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से ये सीड्स से भी ग्रो हो जाता है, या फिर नर्सरी से भी लेने जाएंगे तो 15-20 रुपये में ही ये पौधा मिलता है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अगला पौधा है फ्रेंड्स कॉसमोस का। कॉसमोस का पौधा भी काफ़ी सस्ता आता है, मैंने खुद ये 10 रुपये
करके ही परचेस किए हैं, तो इस पौधे को भी आप ले सकते हैं और अभी पूरी गर्मी बरसात इसमें बहुत अच्छे से फूल आएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स काफ़ी सारे पौधे हैं, मैंने कुछ ही पौधे आपके साथ शेयर किए और भी पौधे आगे किसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये सारे जो पौधे हैं ये काफ़ी सस्ते आते हैं, 10-15 हार्डली 20 रुपये, उससे ज़्यादा इनकी प्राइस नहीं होती है। और अगर थोड़ी सी आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे या फिर यहाँ वहाँ कहीं घूमने जाते हैं तो ध्यान रखेंगे तो इन सभी पौधों को आप सीड से और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं किसी भी मौसम में। बहुत आसानी से हम एक सुंदर गार्डन बना सकते हैं इन सस्ते पौधे के साथ। तो फ्रेंड्स ये थी आज की जानकारी, आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, देन प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।